मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस को भारी जीत मिली है। छत्तीसगढ़ की इस जीत का श्रेय जाता है वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जिनके नेतृत्व में पूरी टीम ने जोरदार काम किया और रमन सिंह सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। भूपेश बघेल के बारे में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। उसमें यह कहा जा रहा है कि किसी समय वे आश्रम में चारा पहुंचाने का काम भी किया करते थे। वे गौशाला के एक आश्रम में चारा पहुंचाते थे बैलगाड़ी के माध्यम से। जी हां, इसके अलावा राजनीति के शौकीन शुरू से रहे हैं भूपेश बघेल, और इसी बात को लेकर उनके पिता से उनकी एक दिन ठन गई। उनके पिता ने उनसे कहा भी कि या तो वे पढ़ाई कर लें या फिर राजनीति कर लें, लेकिन भूपेश बघेल ने यह उन्हें कहा कि वे राजनीति ही करेंगे और एक दिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर दिखाएंगे। आज जबकि भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली गई है, तब उनकी यह बात सत्य होती हुई दिखाई दे रही है कि उन्होंने किस तरह से अपने पिता को जो बात कही थी उसे उन्होंने सार्थक कर दिखाया। भूपेश बघेल बेहद साधारण तरीके से जीवन जीने के आदी रहे हैं। वे हमेशा लो प्रोफाइल में रहे हैं और कांग्रेस के प्रति उनका समर्पण शुरू से ही रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वे पहले चाय बेचते थे और चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, उसी तरह गौशाला के आश्रम में चारा पहुंचाने वाला व्यक्ति आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बन गया है। यह बड़े ही गौरव की बात है।